सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी पहुंची फिल्म गदर 2 देखने। जी हाँ, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि फाइनली सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हो चुकी है, सुपर डुपर हिट हो चुकी है। सनी देओल फिल्म के हिट होने से काफी ज्यादा खुश है। ऐसे में अब धीरे धीरे जो दरार आ रखी थी देओल परिवार में वो खत्म हो रही है। जहां पर हाल ही में ईशा देओल, बॉबी देओल, आहना की वीडियो सामने आई, तो वहीं अब आ चुकी है एक तस्वीर सामने। इसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से अब हेमा मालिनी भी सनी देओल की फिल्म गदर 2 देखने पहुंची, जहां पर उनकी मुलाकात सनी देओल से हुई और ऐसे में वो सनी देओल से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। आपको बताते चले कि तस्वीर भी जब सामने आई तो कई तरह के सवाल उठे। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर कि फाइनली सालों बाद एक दो परिवार अब एक हो चुके हैं और परिवारों के बीच की जो दरार थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। हेमा मालिनी ना तो फिल्म गदर 2 देखने पहुंची और ना ही उनकी मुलाकात सनी देओल से हुई। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस तस्वीर को भी फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया, जहां पर हेमा मालिनी को सनी देओल के साथ इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि लोगों को यही लग रहा है तस्वीर देखने के बाद कि वाकई हेमा सनी देओल की फिल्म देखने गदर 2 पहुंची है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये खबर पूरी तरह से झूठी है और ये तस्वीर भी। हर रोज की तरह आज भी हम आप सबको उन बेफजूल और झूठी खबरों के साथ रूबरू करवाते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती है। नेक्स्ट नाइन लाइफ हमेशा ये चाहता है कि जो ऐसी झूठी खबरें वायरल होती है उन खबर का सच आपको बताया जाए और खबर की सच्चाई तक आपको पहुंचाया जाए। आपको बता दें ये खबर पूरी तरह से झूठी है और यहाँ पर जो खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हेमा मालिनी सनी देओल प्रकाश कौर के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।